हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा मैग्नेटिज्म का सेकंड टेस्ट पेपर है जिसमें कि हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देखेंगे, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट, फिर मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होता है, यदि वो एक स्ट्रेट लाइन करंट हो, यदि वो एक सर्कुलर करंट हो, या वो एक किसी डिफरेंट शेप का हो। फिर हम लोग लास्ट में ये भी देखेंगे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के कारण मेरा टॉर्क क्या प्रोड्यूस होता है, मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है यदि हम किसी कॉइल को एक सर्टेन एंगल से रोटेट कर देते हैं। सो बेसिकली मैं फिर फर्स्ट प्रॉब्लम जो पिक किया हूँ वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट के कारण है। सो आप देखोगे कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर अलॉन्ग द जेड एक्सिस कैरीज द करंट आई इन निगेटिव जेड डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई ऑन जेड इज इक्वल टू जीरो प्लेन इज। सो आपको यदि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट का आइडिया है, स्ट्रेट लाइन में जब करंट बहती है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसका आइडिया है तो आप इस प्रॉब्लम को ट्राई कीजिए। यदि आपको आइडिया नहीं है तो तब जब मैं सॉल्यूशन दूंगा तो फिर आप इजीली इसको समझ पाएंगे, या फिर आप इसको कहीं से पढ़ के किसी भी बुक जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं, जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हैं उसी बुक से पढ़ के फिर इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के कारण मेरा टॉर्क क्या प्रोड्यूस होता है, मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है यदि हम किसी कॉइल को एक सर्टेन एंगल से रोटेट कर देते हैं। सो बेसिकली मैं फिर फर्स्ट प्रॉब्लम जो पिक किया हूँ वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट के कारण है। सो आप देखोगे कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर अलॉन्ग द जेड एक्सिस कैरीज द करंट आई इन निगेटिव जेड डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई ऑन जेड इज इक्वल टू जीरो प्लेन इज। सो आपको यदि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट का आइडिया है, स्ट्रेट लाइन में जब करंट बहती है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसका आइडिया है तो आप इस प्रॉब्लम को ट्राई कीजिए। यदि आपको आइडिया नहीं है तो तब जब मैं सॉल्यूशन दूंगा तो फिर आप इजीली इसको समझ पाएंगे, या फिर आप इसको कहीं से पढ़ के किसी भी बुक जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं, जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हैं उसी बुक से पढ़ के फिर इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए। और इस पर मैं एडिशनल प्रॉब्लम भी दिया हूँ, आप इसका एडिशनल प्रॉब्लम देखो। एडिशनल प्रॉब्लम क्या बोलता है कि कोई एक करंट कैरिंग वायर है तो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी जो वहाँ से आर लेंथ पर है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। सो बेसिकली यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला को डिराइव करेंगे और देखेंगे कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा। यदि वायर का लेंथ फाइनाइट हो तब क्या होगा, वायर का लेंथ इनफाइनाइट हो तब क्या होगा। सो हर एक कंडीशंस को हम लोग देखेंगे। सेकेंड वाला जो प्रॉब्लम नंबर स्टेटमेंट नंबर बी है उसमें आप देखो कि ये चीज़ बताया गया है कि जब ये लेंथ इनफाइनाइट है तब क्या होगा और लेंथ फाइनाइट है तो क्या होगा। सो बेसिकली ये प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम नंबर एडिशनल प्रॉब्लम नंबर बी है ये इसमें थ्री स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको पिक करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सिमिलरली आप प्रॉब्लम नंबर सी देखो। सो प्रॉब्लम नंबर सी उसी से लिंक्ड है। सो यदि आपको आइडिया है देन पॉज कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। टाइम का कोई ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं है, आपके यदि कंसेप्ट साउंड है देन यू कैन सॉल्व इट वेरी फास्ट, यदि आपके कंसेप्ट साउंड नहीं है तो आपको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। अब प्रॉब्लम नंबर टू देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर टू क्या है, किसी मैग्नेटिक फील्ड किसी सेंटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल पर क्या होगा यदि उस ट्रायंगल के साइड दिया गया है 2L और करंट I फ्लो हो रहा है। अब इसमें क्या है कि एडिशनल प्रॉब्लम क्या है कि यदि उसके वर्टिसेस पर क्या होगा, लाइक कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसमें करंट I बह रहा है तो हरेक तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो वर्टिसेस होगा उस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। सो बेसिकली फिर प्रॉब्लम नंबर थ्री भी काफ़ी अपने आप में अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें क्या है कि जो वायर है वो बेसिकली x is equal to 1 meter, x is equal to 2 meter, x is equal to 4 meter, x is equal to 8 meter, 16 meter ऐसे पे रखे गए और करंट इसमें एक में यदि I अपवर्ड डायरेक्शन में बह रहा है तो सेकेंड में I डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड आपको ओरिजिन पे निकालना है। सो बेसिकली ये अपने आप में बहुत अच्छा प्रॉब्लम है और इस टाइप के प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं। सो आप इसको पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए।
इस पर फिर एडिशनल प्रॉब्लम मैं डाला हूँ, टू एडिशनल प्रॉब्लम्स है, और क्या चाहिए कि सेम करंट आई इज़ फ्लोइंग इन थ्री इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अब देखो कि सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम वेरियस सोर्स से पिक किए और बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम है, क्लासिक प्रॉब्लम्स है सारे। सो आप स्टेटमेंट बी देखो, स्टेटमेंट बी जो है वो क्या है कि दो करंट, दो पैरेलल करंट है जो एक्स इज इक्वल टू प्लस ए एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पे प्लेस्ड किए गए हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस प्लेस्ड किए गए हैं, और मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर लाइक ओरिजिन पर बी वन दिया गया है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पर बी टू दिया गया है, तो आपको रेशियो बी वन और बी टू का निकालना है। प्रॉब्लम नंबर फोर, ये अपने आप में बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, जब ये जो दो वायर ए और ओ सी है इनके बीच का एंगल कुछ दिया गया, अल्फा एंगल दिया गया, और मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है किसके, इसके परपेंडिकुलर, इनफैक्ट इसके बाइसेक्टर पे निकालना, एंगुलर बाइसेक्टर पे निकालना है एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ। सो अब प्रॉब्लम देख करके आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन जब मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा तो आपको लगेगा कितना इजी प्रॉब्लम था, और जब इसका सॉल्यूशन देने तक मैं इतने कंसेप्ट बता चुका रहूँगा कि आपको इसका सॉल्यूशन मेरा देखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप तुरंत खुद से बना दोगे यदि आपको आता नहीं है तो भी, और यदि आपको आता है तो अभी आप ट्राई कीजिए, और यदि आप सॉल्व कर पाते हैं देन इट्स वेरी गुड फॉर यू, आपका एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कंप्लीट है। सो बेसिकली आपका जो मेन प्रॉब्लम्स है, आप एडिशनल प्रॉब्लम को भले ही छोड़ दें लेकिन मेन प्रॉब्लम्स को एटलीस्ट आप ट्राई करें, और किसी भी प्रॉब्लम में आपको डाउट हो, कहीं भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा। सो इसका एडिशनल प्रॉब्लम आप देखिए, इसका एडिशनल प्रॉब्लम उसी से मिलता जुलता है, प्रॉब्लम नंबर ए। प्रॉब्लम नंबर बी आपको जेई मेंस 2015 से पिक किया गया है, इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम। सो इसमें आप इसको सॉल्व कीजिए, यदि आप, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो ये सब बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर फाइव, अब प्रॉब्लम नंबर फाइव तक हम लोग, या प्रॉब्लम नंबर फोर तक हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन करंट का कंसेप्ट देखा, प्रॉब्लम नंबर फाइव से हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट। सो पहला प्रॉब्लम जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट में आपको निकालना है कि उसके एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा यदि नंबर ऑफ टर्म्स उस सर्कुलर करंट में एन हो और वो आई करंट फ्लो हो रहा हो। प्रॉब्लम नंबर सिक्स, ये भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर एक्सिस सेंटर और एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका रेशियो क्या होगा। इनफैक्ट ये सारे हम लोग जब कंसेप्ट देखेंगे तो काफ़ी एडिशनल चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे और एडिशनल कंसेप्ट्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। इस पर कुछ एडिशनल प्रॉब्लम भी हैं। नाउ प्रॉब्लम नंबर सेवन, सर्कुलर आर्क के बारे में देख रहा है, तो कोई सर्कुलर आर्क है जो कि थीटा एंगल सेंटर पे बना रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। इस पर जो एडिशनल प्रॉब्लम है अब देखो उसी से रिलेटेड है, लाइक जो एडिशनल प्रॉब्लम ए है इसमें एक सर्कुलर आर्क है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और दूसरा सर्कुलर आर्क है जो कि जिसमें कि करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और रेडियस ऑफ लूप ए दिया गया है, तो आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप। प्रॉब्लम नंबर बी उसी से लिंक्ड है, पॉज कीजिए ट्राई कीजिए। प्रॉब्लम नंबर सी, प्रॉब्लम नंबर सी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, आप इसको ट्राई कीजिए। प्रॉब्लम नंबर डी, ये भी काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ये सारे प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर ई, दिस इज आल्सो वेरी गुड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर एट एंड प्रॉब्लम नंबर नाइन, अब देखो कि प्रॉब्लम नंबर एट उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या है कि जो
देयर आर टू कोप्लेनर एंड कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स हैविंग रेडियस आर वन एंड आर टू एंड कैरिंग सेम करेंट आई. सपोज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्किल इज बी वन इफ बोथ कैरीज करेंट इन द सेम डायरेक्शन वाइल मैग्नेटिक फील्ड बी बी टू इफ बोथ करेंट कैरीज इन अपोजिट डायरेक्शन देन द रेशियो बी वन एंड बी टू. लाइक ये क्या है कि बेसिकली कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स हैं जिनके रेडियस आर वन एंड आर टू दिए गए हैं और सेम करेंट आई फ्लो कर रहा है. यदि दोनों करेंट एक ही डायरेक्शन में बहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर बी वन हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर बी टू हो रहा है, दोनों का रेशियो क्या होगा. सो बेसिकली ये एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट को एक प्रॉब्लम के रूप में डाला गया है और ये जब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को हम लोग समझेंगे. फिर प्रॉब्लम नंबर 9 में देखो क्या है कि क्वाइल है जो कि 9 n टर्न का है और स्पाइरल के फॉर्म में है जिसमें कि इनर एंड आउटर रेडियस ए एंड बी रिस्पेक्टिवली है. सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पे क्या होगा. सो बेसिकली ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, आप इसको ट्राई करें. इसका जो एडिशनल प्रॉब्लम नंबर ए है वो मैं AIIEEE 2011 से पिक किया हूँ. सो ये आप ट्राई करेंगे तो ये तो इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा. और जो प्रॉब्लम नंबर बी है वो AIIEEE 2009 से पिक किया गया जिसमें कि इस शेप में करंट बह रहा है ए बी सी और ये जो पाथ ये दिया गया है. सो आपको बेसिकली निकालना क्या है और एक आई वन करेंट यहाँ पर बह रहा है. सो आपको क्या निकालना, आपको ये प्रॉब्लम का दो पार्ट है. फर्स्ट पार्ट क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप ए बी सी डी एट द ओरिजिन. सो बेसिकली ये जो लूप है ए बी सी डी इसका ओरिजिन पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा इस लूप के कारण. सेकेंड क्या है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ करेंट आई वन ऑन द लूप इज. सो करेंट आई वन के कारण लूप पर क्या रहेगा, ठीक है, फोर्स. सो आप जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा जब करेंट बहता है तो क्या फोर्स होता है उसका इम्पैक्ट भी आपको समझ में आएगा. इनफैक्ट इसके लिए ऑल द मैंने एक सेपरेट सेक्शन में क्रिएट किया हूँ जब मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू टू करेंट कैरिंग वायर के कारण क्या होता है. बट यहाँ पर भी हम लोग उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे. प्रॉब्लम नंबर टेन बेसिकली नीट 2016 का पीक किया गया है. ये एक बेसिकली कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है. सो आप इसको ट्राई करें. प्रॉब्लम नंबर 11 ये AIIEEE 2005 का पीक किया गया है एंड आप इसे ट्राई करें. यहाँ पर क्या है कि जो क्वाइल हैं दो कंसेंट्रिक क्वाइल है तो वो क्या है कि आपको प्लेस्ड किए गए हैं राइट एंगल पर प्लेस्ड किए गए तो क्या होगा मैग्नेटिक इंडक्शन. सो ये एक बहुत एक अच्छा कंसेप्ट हुआ कि यदि यदि दो क्वाइल यदि एक ही प्लेन में रखे गए हैं एक दूसरे लेकिन तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड. यदि अपोजिट प्लेन में रखे गए हैं परपेंडिकुलर प्लेन में रखे गए तो मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर क्या होता है. और इस पर एडिशनल प्रॉब्लम जो मैं दिया हूँ वो नीट 2015 का है. फिर ये एक प्रॉब्लम एडिशनल प्रॉब्लम बी है. अब देखो कि सारे प्रॉब्लम बहुत अच्छे हैं और अच्छे से पिक किए गए हैं और इस वीडियो को बनाने में इस प्रॉब्लम के सेट को बनाने में काफ़ी एफर्ट लगाया गया. जब मैं इसका सॉल्यूशन आपको दूंगा तो लगेगा कि इसको बनाने में वाकई बहुत मेहनत की गई है. आप इसको शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं. जो भी स्टूडेंट्स अपकमिंग एग्जामिनेशंस में अपीयर हो रहे हैं वहाँ तक ये वीडियो जाएगा और उन्हें इसका सॉल्यूशन मिलेगा तो ये उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा. सो आप इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं. एक वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है. मैं ये सारे प्रॉब्लम्स सारे कंसेप्ट को पिक करता हूँ फिर उसके बाद वेरियस जो एग्जामिनेशंस लास्ट 20 ईयर से जेई में नीट में AIIEEE में ये सब में आए हैं उसको रिलेवेंट प्लेस पे डालता हूँ. इसके अलावा SC वर्मा DC पांडे रेशनिक हैलिडे और वेरियस अदर सोर्स से प्रॉब्लम को पिक करके और पर्टिकुलर जगह पर उस कंसेप्ट से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को डालना ये सब अपने आप में काफ़ी टीडियस टास्क है.
सो ये बस मैं आपके लिए कर रहा हूँ, यदि आप इससे बेनिफिशियल होते हैं, आपको इससे फ़ायदा होता है, एग्ज़ाम में आपके काम आएगा, तो सो ये मेरा सारा एफर्ट फिर सार्थक होगा। सेकेंडली, मैं आपको एक चीज़ एश्योर करना चाहता हूँ कि इस सारे टेस्ट पेपर के बाहर से एक भी प्रॉब्लम ना तो जेई में आएंगे, ना एम्स में आएंगे, ना नीट में आएंगे। फिजिक्स के सारे प्रॉब्लम जितने मैं टेस्ट पेपर फाइनल दे दूंगा, मैं यदि 35 टेस्ट पेपर के सॉल्यूशंस दे देता हूँ, आप उसको देख लेते हो, तो एक भी प्रॉब्लम उसके बाहर से नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम नंबर 13 है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड प्रॉब्लम। ये AIIEEE 2010 का पिक किया गया है। ये प्रॉब्लम नंबर 14 है, ये भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, आप इसको पॉज करें, ट्राई करें। ये प्रॉब्लम केवल जेई मेंस के लिए है, आपको AIIEEE 2012 का जो प्रॉब्लम है, नीट वालों के लिए ये प्रॉब्लम थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा, तो नीट वाले चाहें तो इस प्रॉब्लम को स्किप कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 15, बेसिकली प्रॉब्लम नंबर 15 जो है, यहाँ से हम लोग एम्पियर्स लॉ का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। सो प्रॉब्लम नंबर 15 एम्पियर्स लॉ पर बेस्ड है, आप इसको पॉज करें, ट्राई करें। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि कोई एक सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है जो कि करेंट आई कैरी कर रहा है, रेडियस आर है, तो उसके इनसाइड सरफेस पे एट ए डिस्टेंस आर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो बेसिकली वो है, एंड जो एडिशनल प्रॉब्लम है उसमें क्या है कि हॉलो सिलेंडर है जिसका इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, करंट I फ्लो कर रहा है, तो उसके सेंटर से या एक्सिस से डिस्टेंस R पर जो क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकालना है। सो बेसिकली ये एम्पियर्स लॉ से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर प्रॉब्लम नंबर C जो है वो क्या है, आपको इन द एबव प्रॉब्लम पॉसिबल ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। सो आप जो निकाले हो मैग्नेटिक फील्ड उसका पॉसिबल ग्राफ कैसा होगा। प्रॉब्लम नंबर D, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्रॉब्लम, लेकिन उसी पर बेस्ड है, ये AIIEEE 2007 से पिक किया गया है। प्रॉब्लम नंबर 16, प्रॉब्लम नंबर 16 बेसिकली सोलिनॉइड का प्रॉब्लम है। इसमें सारे आपको फोर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और फोर स्टेटमेंट के माध्यम से सोलिनॉइड के सारे कंसेप्ट को बताने की कोशिश की गई। जब मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा तो मैं चारों स्टेटमेंट को समझाने के लिए आपको पूरा सोलिनॉइड कंप्लीटली डिटेल में समझाऊंगा। इस पर एडिशनल प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर A। प्रॉब्लम नंबर 17, ये भी आपको सोलिनॉइड पर ही बेस्ड है, आप इसको पॉज करें, ट्राई करें। प्रॉब्लम नंबर 18, ये भी सोलिनॉइड पर ही बेस्ड है, इसको पॉज करें, ट्राई करें। अच्छा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 18। प्रॉब्लम नंबर 19, ये भी सोलिनॉइड के ही कंसेप्ट पर बेस्ड है। प्रॉब्लम नंबर 20, ये बेसिकली आपको टोराइड के कंसेप्ट पर बेस्ड है, यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टोराइड को पता करना है। सो यहाँ पर थ्री स्टेटमेंट दिए गए और कोई एक स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकता है, या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कोई स्टेटमेंट रॉन्ग ना हो। सो जो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। इस पर एडिशनल प्रॉब्लम जो मैं पुट किया हूँ वो एम्स 2012 का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 21, प्रॉब्लम नंबर 21 क्या है, ये फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर के बारे में है। सो यहाँ पर दो स्टेटमेंट है और आपको आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इस पे जो एडिशनल प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नंबर A,
ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, एडिशनल प्रॉब्लम नंबर ए। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, यदि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको सॉल्व करने के लिए इनफैक्ट पेन भी टच करने की ज़रूरत नहीं। जब मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा उसके बाद आपको लगेगा कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको पेन भी टच करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे इसका माइंड में कैलकुलेशन करके सॉल्यूशन दे सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, यदि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स आपके लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेडिकल के स्टूडेंट्स बायोलॉजी में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं और यहाँ पर वो थोड़े मार खा जाते हैं। सो यदि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तब भी फिजिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज फिजिक्स मैथ्स वालों के लिए एक स्कोरिंग होता है। सो आप वहाँ पर यदि मिस करेंगे तो आप मेन मेन अपने गोल से मिस कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर बी, ये भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है कि एक एक वायर है, कंडक्टिंग वायर को हम लोग पैराबोला के रूप में है। सो वायर को यदि मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? प्रॉब्लम नंबर सी, ये भी एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर डी, ये सारे एडिशनल प्रॉब्लम है। इनफैक्ट प्रॉब्लम नंबर डी तो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है और ये एक नया कंसेप्ट को भी बता रहा है। ये मैं बताऊंगा प्रॉब्लम तो आपको लगेगा कि माइट भी ये कंसेप्ट आपको पता नहीं होगा और ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम लगेगा। प्रॉब्लम नंबर 22, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड प्रॉब्लम, आप इसको ट्राई करें। नंबर 23 से स्टार्ट हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू टू पैरेलल करेंट कैरिंग वायर। सो आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। इसका एडिशनल प्रॉब्लम में पहला प्रॉब्लम है जो मैं AIIEEE 2004 से पिक किया हूँ। प्रॉब्लम नंबर बी, जो एडिशनल प्रॉब्लम नंबर बी है, ये भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। एडिशनल प्रॉब्लम नंबर सी, ये भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। आप इसको पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। यदि आप ट्राई नहीं करना चाह रहे हैं देन वेट फॉर द वीडियो। आप जब इसका सॉल्यूशन आएगा तो जस्ट सॉल्यूशन को आप देख लीजिएगा, 3-4 आवर्स का सॉल्यूशन होगा। 3-4 आवर्स का सॉल्यूशन देखने में कुछ कुछ भी मेहनत नहीं है, लेकिन इससे 2-3 प्रॉब्लम्स यदि आते हैं तो आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर लोगे। प्रॉब्लम नंबर 24, ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ये भी किसी एग्ज़ाम से पिक किया गया है। इस पर जो एडिशनल प्रॉब्लम है ये भी बहुत अच्छे हैं कि लाइक कोई एक सर्कुलर क्वायल है, इनफैक्ट ये एक स्क्वायर क्वायल है। सो स्क्वायर क्वायल को किसी करंट कैरिंग वायर के पास रखा जाए तो क्या फोर्स लगेगा? ये प्रॉब्लम नंबर बी, ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। जब मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा तो आपको तो काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा भी होता है। प्रॉब्लम नंबर सी, ये भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर डी, ये भी बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। नाउ प्रॉब्लम नंबर 25, आपका ये प्रॉब्लम जो है ये NEET 2017 से पिक किया गया है और यहाँ पर पैरेलल करंट की जगह आप देखो कि करंट का एक अलग अरेंजमेंट दिया गया है। सो आपको निकालना है एक जो पॉइंट बी पर जो करंट बह रहा है वो उस पर क्या फोर्स लगेगा ड्यू टू करंट ए एंड सी। सो फोर्स के ही कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है बट थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। प्रॉब्लम नंबर 26, ये बेसिकली आपको मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। सो स्टेटमेंट ए और बी दिए और आपको मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड कंसेप्ट अप्लाई करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो जब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इस मैग्नेटिक मोमेंट के कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे और बेसिकली इस कंसेप्ट से भी कभी कभी प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। सो आप इसका एडिशनल प्रॉब्लम जो देखोगे, सो एडिशनल प्रॉब्लम मैंने काफ़ी सारे सिमिलर प्रॉब्लम्स को मैं डाला हूँ। इनफैक्ट सारे प्रॉब्लम्स एक दूसरे प्रॉब्लम से अलग हैं और किसी ना किसी एक कंसेप्ट को कवर कर रखे हैं। सो एडिशनल प्रॉब्लम में देखोगे तो एडिशनल प्रॉब्लम नंबर ए, एडिशनल प्रॉब्लम नंबर बी और प्रॉब्लम नंबर 27, इनफैक्ट ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है कि यदि किसी हम लोग करेंट का और किसी लूप का यदि हम लोग शेप चेंज कर दे तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे चेंज हो रहा है। सो प्रॉब्लम नंबर 27, ये एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, आप इसको पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए।
प्रॉब्लम नंबर 28 जो है इसमें क्या है, ये कोई चार्ज पार्टिकल है जो किसी मास एम का है और किसी सर्कुलर ऑर्बिट में किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से मूव कर रहा है। सो आपको मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का रेशियो क्या होगा, ये प्रॉब्लम एग्ज़ाम में सीधे डायरेक्टली आते हैं और इनफैक्ट ये प्रॉब्लम लगभग सारे एग्ज़ाम में आ चुका है। सो किसी ना किसी साल ये रिपीट करता रहता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। सो अब ये बेसिकली आपको मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं। सो एडिशनल प्रॉब्लम भी उसी पर बेस्ड है, एडिशनल प्रॉब्लम नंबर ए जो कि एम्स 2012 से पिक किया गया है और एडिशनल प्रॉब्लम नंबर बी जो AIIEEE 2011 से पिक किया गया है। प्रॉब्लम नंबर 29 बेसिकली आपको अब हम लोग टॉर्क पोटेंशियल एनर्जी किसी कॉइल का जब किसी उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए उससे रिलेटेड है। सो प्रॉब्लम नंबर 29 में आपको फोर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सो बेसिकली आप देखो कि हम लोग टॉर्क वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी ये सब के बारे में पढ़ने वाले हैं, किसी कॉइल पर क्या लगेगा यदि उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए। प्रॉब्लम नंबर 30 ये बेसिकली टॉर्क से रिलेटेड है, किसी कॉइल पर क्या टॉर्क लगेगा यदि उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में प्लेस किया जाए। सो अब टॉर्क पर देखो कि एडिशनल प्रॉब्लम मैंने दिया हूँ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को डील करते हुए। सो एडिशनल प्रॉब्लम नंबर ए, एडिशनल प्रॉब्लम नंबर बी, एडिशनल प्रॉब्लम नंबर सी, एडिशनल प्रॉब्लम नंबर डी, एडिशनल प्रॉब्लम नंबर ई। अब देखो सारे प्रॉब्लम या तो AIIEEE से हैं, JEE से हैं, NEET से हैं, AIIMS से हैं, सारे अच्छे अच्छे एग्जाम से पीक किए गए हैं। एडिशनल प्रॉब्लम नंबर एफ ये भी आपको NEET 2016 का है, एडिशनल प्रॉब्लम नंबर ई आपको NEET 2017 का है, एडिशनल प्रॉब्लम नंबर जी आपको NEET 2015 का है। देख रहे हैं आप हर एक साल ये पूछ रहा है ये सारे प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 31 बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है, किसी कॉइल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में डालें तो क्या वर्क डन होगा यदि उसको किसी एंगल थीटा से हम लोग रोटेट कर दें, पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हो जाएगा। सो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम नंबर 31 है। अब देखो जो एडिशनल प्रॉब्लम्स हैं ये भी काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम है। पहला आप एडिशनल प्रॉब्लम नंबर 1 देखो, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, आप इसको पॉज करके ट्राई कर सकते हैं यदि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो। एडिशनल प्रॉब्लम नंबर बी है, ये बेसिकली JEE 2017 का प्रॉब्लम है और ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। एडिशनल प्रॉब्लम नंबर सी ये भी आपको JEE 2017 का प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, चार स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको फाइंड आउट करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एडिशनल प्रॉब्लम नंबर डी आपको NEET 2013 का प्रॉब्लम है और ये बहुत अच्छा है, ये देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये सब कंसेप्ट को डील कर रहा है। प्रॉब्लम नंबर 32 आपको यहाँ से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में बात हो रही है। सो प्रॉब्लम नंबर 32 बेसिकली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में हो रहा है और इसमें थ्री स्टेटमेंट ए बी सी दिए गए हैं, आपको फाइंड आउट करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एक स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है, दो करेक्ट हो सकता है, तीनों करेक्ट हो सकते हैं। सो आपको ये फाइंड आउट करना है कौन कौन स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रॉब्लम नंबर 33 ये भी उसी से रिलेटेड है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से। सो बेसिकली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंसेप्ट या ईच एंड एवरी कंसेप्ट को हम लोग डील किए हैं, जब हम लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे तो आपको कंसेप्ट भी बताएंगे, उसको प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करते हैं वो भी बताएंगे और आप फिर काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे। प्रॉब्लम नंबर 34 आपको AIIEEE 2008 से लिया गया है, इसमें रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी के बारे में बात की गई है और डायमैग्नेटिक मटेरियल कैसा होता है। सो बेसिकली हम लोग कुछ जो ये जो थ्री एडिशनल प्रॉब्लम डाले हैं इससे आपको डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, पारा मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, ये सब से भी कभी कभी प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। सो मैं वो सबको डाला हूँ। पहला प्रॉब्लम है AIIEEE 2008 से जिसको प्रॉब्लम नंबर 34 कहा गया। प्रॉब्लम नंबर 35 आपको AIIEEE 2003 से है। प्रॉब्लम नंबर 36 आपको NEET 2013 से है। सो आप इसको पॉज करें, ट्राई करें, आप इन सारे प्रॉब्लम्स को पॉज करके ट्राई कीजिए। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने चाहिए, यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं भी हैं
और आपको थोड़ा डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछ सकते हैं। यदि बिल्कुल भी आपको पता नहीं है इस चैप्टर के बारे में, देन वेट फॉर द सॉल्यूशन। जैसे मैं इसके सॉल्यूशन अपलोड करूँगा, आप जस्ट सॉल्यूशन को देख लेना, आपको पूरे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, आप इसमें पूरे कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे। सो मेरे वीडियो को आप देखते रहिए, और अपडेट्स जो फर्दर होंगे उससे आप यदि रूबरू होंगे सो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसके बाद मैं इलेक्ट्रिक करेंट के प्रॉब्लम्स भी 1-2 दिन में मैं अपलोड करने वाला हूँ। उसके बाद कमिंग 3-4 डेज के अंदर मैं हीट एंड मॉडर्न और लाइट, ये एंड साउंड आल्सो, इस चारों को डालने के बाद, और मीनवाइल सॉल्यूशंस तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो लगभग आपके मतलब मैक्सिमम कवर हो जाएंगे एक्सेप्ट मैकेनिक्स। उसके बाद हम लोग लास्ट में मिड दिसंबर के बाद देखते हैं फास्ट मैकेनिक्स कवर करने की। सो आप इसको देखते रहिए और सीखते रहिए। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जो काफ़ी अच्छा टेस्ट सीरीज़ है इसके बारे में बताएं। थैंक यू।